अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऊना के एक मिठाई विक्रेता ने अनूठी पहल के जरिए लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बेशक चुनाव आयोग भी मतदान में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, लेकिन ऐसे में एक आम इंसान अपने व्यापार के जरिए इस मुहिम में अपना सहयोग दे रहा है, ये एक अच्छी सोच का परिचय है। अभी मई 2019 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने ओम भुजिया भंडार की तरफ से हर लिफाफे पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने अपने लिफाफे पर कहा है कि वोट अवश्य दें आप, और ये कार्यक्रम हमने हर लिफाफे के जरिए अपने हर ग्राहक को दे रहे हैं, और उससे हर व्यक्ति को ये पता रहेगा कि हमने वोट जरूर करना है। मिठाई विक्रेता के इस प्रयास की जिला प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं भी जमकर प्रशंसा कर रही हैं। वहीं डीसी ऊना ने भी बाकी व्यापारियों और आम जनता से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने की अपील की है। वैसे तो देखिए, जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान डालें, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट एजेंसी है ना, ओम भुजिया भंडार जो है, उनके माध्यम से उनके जो मिठाई के डब्बे हैं उनके ऊपर स्वीप कैंपेन को चलाया जा रहा है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और भी जो निजी संस्थान हैं वो आगे बढ़कर आएँ और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट की माने तो लोगों को जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और मिठाई व्यापारी की ये पहल काफी सराहनीय है। ये ओम भुजिया भंडार ऊना में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें एक अनूठी पहल है और बहुत बढ़िया पहल है कि जितने भी ग्राहक यहाँ आएंगे उनको एक लिफाफा दिया जाएगा जिसपे ये लिखा होगा कि हर मतदान जरूर करें। और जैसा कि हमें पता ही है कि लोकतंत्र का एक महापर्व जो है वो चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी 19 मई को मतदान है। वही मिठाई व्यापारी ने ये भी कहा कि वोट के लिए हर कोई जागरूक हो, इसके लिए उन्होंने 19 मई तक एक प्रयास जारी रखा है कि वो 50,000 लिफाफे जरूर वितरित करेंगे और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करेंगे। ऊना से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।